Hello friends, so welcome to our YouTube channel, The RJ Sibyls. First of all, thanks to all of you for showering so much of love on the DIY, that's do-it-yourself, luggage bag, what we had made in, previous days. So thank you so much for all that. And from, subscribers demand, we've come up with one more video, that's again a DIY video. That will be do-it-yourself hydro packs. So we will be doing that today. Yes, our request was there from subscribers that please make these kind of videos in Hindi. So today's video will be more of in Hindi. So आज हम बनाने वाले हाइड्रा पैक, जिस किसी को भी हाइड्रा पैक नहीं पता वो क्या होता है. गाइस, हाइड्रा पैक ऐसी एक चीज है जो आप आपके बैकपैक में या फिर आपके बैग पे लोड कर सकते हो, और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, नॉट जस्ट ऑन बाइक, बट अगर आप समझो कहीं पे जा रहे हो, ट्रैक पे जा रहे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो, बस से जा रहे हो, एंड यू इंस्टेंटली नीड वाटर एंड योर हैंड्स आर बिजी, अगर आपको वो यूज करना है तो आपके बैकपैक में ऑलरेडी वो पैक होता है. सो इसको बोलते हैं हाइड्रा पैक. तो चालू करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैं पहले आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें लगने वाली है इस चीज के लिए, ये बनाने के लिए. तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब है ये. ये कोई भी हार्डवेयर स्टोर में आपको मिल जाएगी. ये मीटर पर मीटर के रेट से मिलती है, बट ये शायद हाफ मीटर या फिर उससे थोड़ी ज्यादा रहेगी. इसमें अलग अलग डायमीटर्स आते हैं, अगर आप देख पा रहे हो, ये अलग अलग डायमीटर्स आते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेकर आ जाइएगा. सो ये एक चीज हमें लगेगी. दूसरी चीज जो हमें लगेगी वो एक सेलो टेप है, ये ट्रांसपेरेंट भी यूज कर सकते हो. और एक चीज जो हमें लग सकती है वो है सीजर. यहाँ रख रहा हूँ उसको. हाँ, अभी जिस बॉटल से हम उसको हाइड्रा पैक बनाने वाले हैं वो है, मतलब कोई भी सिपर जो आपके घर पे अवेलेबल होगा. मेरे घर पे ये था, सॉरी, आई नो दिस इज लिटिल फनी बाबी डॉल, बट ये मेरे नीस का है और यही मेरे पास एक अवेलेबल सिपर था, तो मैं ये लेकर आ गया हूँ. तो जो भी आप सिपर यूज करेंगे, जनरली उसको ये ऐसा ट्यूब होगा बाहर, अगर नहीं भी होगा तो भी मैं आपको आइडिया बता दूंगा वो एंड में. सो ये बॉटल हमें लग सकती है, मैं फिलहाल उसे यहाँ रख रहा हूँ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पानी चाहिए होगा उसको टेस्ट करने के लिए कि आपने सही बनाया है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो सबसे पहले आप ये करिएगा, जैसे ही आप ये सिपर लेंगे, इस सिपर का जो ये फेस है, ये माउथ है, जो उसकी इनटेक है, इसमें ये पाइप को आपको इंसर्ट करना है. तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया है अंदर. आप देख सकते हो कि इसके नोजल के अंदर मैंने ये पाइप को डाल दिया है. अभी लीकेजेस अवॉइड करने के लिए मैं टेप लगा दूंगा उसके ऊपर. आप ट्रांसपेरेंट टेप भी यूज कर सकते हो इसके बदले. जो भी मेरे पास अवेलेबल सामान है मैंने उसे ही बना रहा हूं. ये इसको कट करने के लिए ये ऐसे हो गया तैयार. अब हम इसको टेस्ट करेंगे. हाँ, मेक श्योर कि उसके अंदर ये सिपर का, ये सिपर मैंने इसके लिए स्पेसिफाई किया क्योंकि सिपर्स में गाइस ये नीचे होता है, तो इससे क्या होता है कि आप इजीली वाटर साफ कर सकते हो. इसके अंदर हम पानी डालेंगे, मैंने पानी तो दिखाई दिया था आपको. इस तरीके से उसको अंदर डाल दीजिएगा और उसको टाइट करके बंद कर देना. अब ये है ऑलमोस्ट रेडी, बट आपको इसके साथ करना क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ. ये जो नॉर्मल बैकपैक हमारी होती है, ये मेरी पर्सनल डेली यूज की बैग है, तो मैं फिलहाल अभी इसमें डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ आपको. जो भी आपकी बैकपैक है, आप राइड पे लेकर जाते हो, आप ट्रैवलिंग टाइम पर लेके जाने वाले हो, तो उसके अंदर आप एक काम कर सकते हो कि आप उसमें एक होल कर सकते हो. अगर आप समझो आपकी पुरानी बैग है तो उसके अंदर एक होल कर देना, जिससे पाइप सी थ्रू हो जाएगा. मेरे पास, मैं ये बैग में होल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये मेरी डेली की बैग है. मैंने ऑलरेडी एक बैग है उसमें बनाकर वो प्रोविजन कर दी है. मैंने काफी ट्रिप्स पे पहले यूज भी कर चुका हूँ मैं. तो आप अगर हो सके तो इसमें होल कर देना छोटा, जिसमें से पाइप चली जाएगी. ये बैग समझो अंदर डाल देता हूँ बॉटल.
इसको हम ऐसा बंद कर देंगे. ये ऐसे कुछ दिखेगा गाइस. और एक चीज आप कर सकते हो कि अगर समझो आप राइड कर रहे हो, आप राइडर हो या फिर इनकेस अगर आपको ऐसे लगता है कि अभी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, तो एक केबल टाई आता है, इससे आप ये बैक के स्ट्रैप को इसको अटका सकते हो. ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ. ये जो केबल टाई आती है, हम सबको पता ही है, सिंपल है, सिर्फ अंदर डाल के खींचना है. तो ये केबल टाई को मैं मेरे कोई भी शोल्डर जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है उसमें डाल के मैं इसको इस तरीके से इसको टाइट कर सकता हूँ. मतलब ये बार बार गिरेगा नहीं और मुझे हमेशा याद रहेगा मेरे कौन से शोल्डर पे इसको सिर्फ इस तरीके से डालना है. और समझो अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको सिर्फ उसको कोई भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको उसको सिर्फ आपके मुंह के अंदर डाल के उसको पानी पीना. एंड दिस इज वेरी इजी. हम लोगों ने शायद कितना ये 4 या 5 मिनट बना दिया रहेगा. सो दिस इज हाउ इट विल लुक. नॉर्मल बैकपैक है, इसके अंदर आप दूसरे भी आपके सामान डाल सकते हो और ये बॉटम भी जाएगा और ऐसे शोल्डर पे हमेशा अटका रहेगा. सो द गाइस ये बहुत इजी है. ये बॉटल की जो भी कॉस्ट है, आप घर पे अगर बॉटल होगा तो वो यूज करिएगा. पाइप हार्डली कुछ 5 से 10 रुपए में आपको मिल जाएगी. टेप तो हर किसी के घर पे होती है. सो आई गेस ये सबसे सस्ता और सबसे फास्टेस्ट मेकिंग हाइड्रा पैक है जो आपने अभी देखा होगा. तो गाइस आप उसको ऐसे पी सकते हो. And trust me, it's very easy. पानी तो वही यूज करने वाले आप लोग. इसका बेस्ट पार्ट ये है, आज इस रिमूव दिस बहुत फनी लग रहा है. आई नो पानी भी. तो इसका बेस्ट पार्ट ये है गाइज, आप अगर कोई नई हाइड्रा पैक लेने चाहते हो उसका कॉस्ट मैं आपको दिखाता हूँ. गाइज तो आप लोग ये देख सकते हो कि जैसे मैंने मेंशन किया था, इसका कॉस्ट देखिए यहाँ पे कितना है. तो ये नॉर्मल ऐसे कुछ हाइड्रा पैक दिखते हैं. ये अलग अलग डिजाइन अलग अलग कलर्स में आते हैं. ये भी ऐसे दिखते हैं. अभी इनको ऐसे पहना चाहता है, ये देखिए ऐसे बैकपैक की तरह उसको लोड करते हैं. बट ऑल दिस कॉस्ट फॉर यू लाइक यू नो फॉर मोर देन 1000. ये ऐसे भी महंगे आते हैं बैकपैक्स. ये 2-3 और हाइड्रा पैक्स है गाइज, ये देख लीजिए. ऐसा कॉस्ट है 2300 रुपए. ये कुछ अलग डिजाइन है. अगर आपको डिजाइन ही चाहिए तो आप आपकी बैकपैक्स उस तरीके से ले लीजिएगा जिसमें आप बॉटल भी डाल सकते हो और फिर उसमें आप बाकी के दिन जब आप उसको यूज करने वाले हो उस दिन उसको यूज कर सकते हो. क्योंकि ये बैग्स आप बाकी के दिन यूज नहीं कर पाओगे. इसके पाइप वगैरह ऐसी दिखती है जो हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट पाइप, मैंने ट्रांसपेरेंट पाइप दिखाई. आप अगर ज्यादा स्पेंड करना चाहते हो तो आप ऐसी पाइप्स भी आपको बाहर मिलती है. यस आपको ब्लैडर बैग्स भी मिलती है जो कम पैसे में आती है, जो कुछ 500 या 450 रुपए में ब्लैडर बैग्स आती है जो ट्रांसपेरेंट पाउचेस होते हैं. बट अगर आपको पैसे स्पेंड नहीं करने और ये इंटेलिजेंटली इस पर कुछ काम करना है तो आप ये वीडियो देख लीजिए गाइस, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको खरीदना है आपको बनाना है. अगर आप वैसे ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो वाई नॉट गो टू समथिंग जो बहुत अच्छा होगा. आप अगर वो पैसे सेव करेंगे तो आप ट्रैवलिंग में वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो. आपकी एक दिन के होटल स्टे मैनेज हो जाएगी, उसमें से फूड मैनेज हो जाएगा गाइस. तो बहुत सारी चीजें आप उस पैसे से यूज कर सकते हो. कोई और दूसरी चीज आप लेकर आ सकते हो उस पैसे में. ये सिर्फ 10 और 15 रुपए की पाइप में इतना सब हो सकता है. सो ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज गाइस हम लोग आते रहेंगे क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग के रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं. तो आपको और भी ऐसे वीडियोस हम लोग दिखाते रहेंगे जिसमें DIY स्टफ हम लोग बताएंगे आपको कैसे कोई चीज बनाई जा सकती है, पैसे सेव किया जा सकता है. सो गाइस ये था आज के हाइड्रा पैक के बारे में. तो मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करूंगा. बट बिफोर आई एंड दिस मैं और एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा. हम लोग वी आर स्टार्टिंग विद द सीरीज यानी एक चीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो काफी यूजफुल होगा वो अपकमिंग राइडर्स के लिए. Yes, वो शायद प्रोफेशनल राइडर्स और जो बड़े राइडर्स हैं उनके लिए शायद स्टूपिड लगे या फिर उनको ऐसे रूकी टाइप्स लगे वो. बट देन ये उन लोगों के लिए जो एस्पायरिंग है, जो लोग चाहते हैं कि वो लोग अपनी हॉबी को और आगे लेकर जाए, तो इस सीरीज में हम लोग वो चीजें दिखाएंगे जो बेसिक है या फिर कुछ राइड पे जो इस्तेमाल हो सकती है वो चीजें वो हम लोग बताएंगे. ऑलमोस्ट हमारी जो राइडिंग जो एपिसोड या फिर वीडियोज आएंगे उसके एंड में वो होगा. इस सीरीज को हम लोग नाम देने वाले हैं 1 Wise Minute. हम लोग ट्राई करेंगे कि 1 मिनट के आसपास या फिर उसके अंदर या फिर लाइक यू नो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में जो बेस्ट ऑफ बेस्ट नुस्खे होते हैं छोटे मोटे वो हम लोग आपको बताएंगे जो आपके डे टू डे राइडिंग में आपको काफी काम आएंगे गाइस. गाइस अगर आप चाहते हो कि हम लोग ऐसे ही किसी तरीके की और भी वीडियोस कैप्चर करें या फिर कोई और चीजों के बारे में यहाँ इस चैनल पे बताएं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा. हम लोग डेफिनेटली उस चीज के ऊपर सोचकर कुछ वीडियोस बनाएंगे. आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये और हमारा पुराना DIY वीडियो कैसे लगा है. एंड ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आने वाले हैं 1 Wise Minute वो इस वीडियो के बाद आपको दिखाई देगा अभी. तो वो भी बताइएगा कि आपको वेब वो कैसे लगा है.
क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली जो भी टूरर्स है या फिर जो लोग ट्रैवल करने वाले उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा गाइस. गाइस सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस. आप प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ये हमारी वीडियोस को शेयर करिएगा सो दैट वी विल गेट मोर मोटिवेटेड एंड डेफिनेटली विल कम विद मोर सच वीडियोस. थैंक यू. Hello guys, so in today's Wise Minute, we'll show you how to check your bike's engine oil level. I'll show you where it has to be checked. ये मेरा इंजन है गाइस. तो अभी बाइक साइड स्टैंड पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ऑयल लेवल चेक करने के पहले बाइक मेन स्टैंड पे ले लें. तो आप अभी इस ऑब्जर्व करिएगा इस चीज़ को. मैं गाड़ी अभी मेन स्टैंड पे लूँगा. यू सी दिस मार्क, ये लो है और ये हाई है और ये हमेशा आपका इंजन ऑयल लेवल इन दोनों के बीच होना चाहिए. जब भी आपको लगता है कि इस मार्क के नीचे इंजन ऑयल है, इसका मतलब आपके बाइक को इधर टॉपअप करना पड़ेगा या फिर ऑयल देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको पूरा इंजन ऑयल नया डालना है. मैं आपको ये फिर से दिखाता हूँ साइड स्टैंड पर डाल के. ये देखिए, ये ऑयल पूरा उस तरफ चला गया इंजन में. ओके गाइस, सो दिस वाज द टिप ऑफ द डे. थैंक यू.